व्यूअर्स, मज़ेदार भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त को लेके इसको वॉश कर लिया है, और इसमें मैंने 3 अदद टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, और ये साबुत गरम मसाला, और ये 2 दरमियाने साइज के प्याज, ये मैंने कट कर लिए। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये गोश्त तो बग़ैर कुकर के मुश्किल ही गलेगा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 गिलास बराबर पानी, और मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। ये हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके और ये रख दिया है इसको पकने के लिए। कम से कम इसको 20 से 25 मिनट मैं पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये प्रेशर कुकर हमारा चल पड़ा है, वेट इसकी घूम रही है। तकरीबन मैं इसको 20 मिनट तक पकाऊंगी, फिर हम गोश्त को चेक करेंगे। व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और अब हम अपने कुकर का ढक्कन खोलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चेक करते हैं गोश्त, तो इसका पानी तो खुश्क हो चुका है, तो माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई, तो चलिए हम इसको छोटी पतीली में शिफ्ट कर लेते। हमने 1/2 kg भिंडी को लेके अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको हमने कट कर लिया है। ये देखें, हम भिंडी को इस शेप में कट करते हैं। बाज़ लोग इससे बड़ा बड़ी भी कट करते हैं, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह की आप कट करना चाहें। और 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। ये देखिए, ज़्यादा बारीक नहीं है, तकरीबन मोटे मोटे मैंने ये कट किए। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमें चाहिए 1 कढ़ाई, तो अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे, और इसमें शामिल कर देंगे हम अपने ये कटे हुए मोटे प्याज, थोड़ा सा ऑयल, ये ऑयल शामिल कर दिया है। व्यूअर्स, प्याज़ों का मैंने जस्ट पानी खुश्क करना है, इनको मैंने ब्राउन नहीं करना। इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स, प्याज़ों का पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये कटी हुई भिंडी शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का, और नमक, नमक मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी गोश्त में भी नमक डाला हुआ है, तो थोड़ा सा नमक मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसकी हल्की हल्की हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। व्यूअर्स, भिंडी में हम नमक और हल्दी इसलिए शामिल करते हैं कि भिंडी में जो ये थोड़ा सा लेस होता है ना, इससे इसका ये ख़त्म हो जाता है नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल करने से। तो इसकी हम 5 मिनट हम इसको भून लेंगे, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम बारीक लंबाई रूप कट लगाते हैं, मेरे घर में इस तरह की पसंद की जाती है, बस इस तरह दरमियान में कट लगा के ऐसे मैं 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी, और बस इसे थोड़ी सी भुनाई हो जाए। हमारी भिंडी की भुनाई कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम इसे साइड पर कर देंगे, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, इसमें अभी कुछ ऑयल बाकी है, तो मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि जो इसमें कुछ ऑयल है और हम इसमें गोश्त डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। मैं तमाम भिंडी इसमें से निकाल लूँगी, कोशिश करूँगी इसमें ऑयल ना आए, ऑयल को निचोड़ के मैं इसमें निकालूँगी। व्यूअर्स, मैंने तमाम भिंडी को निकाल लिया, ये देखिए इसमें जो ये ऑयल बच गया है, अब इसी ऑयल में मैं जो हमने गोश्त प्रेशर कुकर में रख के गलाया है वो गोश्त डाल के उसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ये गोश्त मैं इसमें शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, अगर मैं भिंडी को इसी में रहने देती और गोश्त की अलग से भुनाई करती, तो हमारे फिर सालन में घी ज़्यादा हो जाना था, ऑयल ज़्यादा हो जाना था, इस वजह से मैंने भिंडी को निकाल लिया, और उसमें कुछ ऑयल उसमें था, कुछ मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी, और मैं गोश्त की भुनाई कर। व्यूअर्स, हमने गोश्त में हल्दी नहीं डाली थी, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा 1/2 टीस्पून के बराबर शामिल कर दूंगी, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी
कुटी हुई लाल मिर्च का मैंने शामिल कर दिए, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी। व्यूअर्स, गोश्त की भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 चम्मच दही के, और मज़ीद 2 मिनट भून के उसके बाद फिर हमने इसमें भिंडी शामिल कर ली है। 2 मिनट और भुनाई हो जाए इसकी। दही डाल के व्यूअर्स हमने 2 मिनट और इसको भून लिया है, और अब हम इसमें अपनी ये फ्राई की हुई भिंडी, प्याज और हरी मिर्ची ये शामिल कर देंगे। ये व्यूअर्स, मैंने तमाम भिंडी इसमें शामिल कर दी है और अब मैं इसको दम वाली हीट पे रख दूंगी। व्यूअर्स, आप कोशिश कीजिए कि इसके लिए ज़रा मसाले वाला गोश्त आप तैयार करें, फिर उसमें ये भिंडी शामिल करें कि बहुत मज़े की फिर तैयार होती है। अब ये इस तरह आपकी भिंडी टूटेगी भी नहीं और खिली खिली बनेगी। तो अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इस पर दम लगा दूँगी, कवर कर देती हूँ, तो चेक करेंगे हम इसको 10 मिनट बाद। व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार भिंडी गोश्त हो गया है रेडी, देखिए। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इसे गरम गरम चपाती या नान के साथ सर्व करेंगे, और साथ में हमने बनाया है दही का रायता ग्रीन वाली चटनी से, जो चटनी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जो बना के हमने फ्रीज़ की थी, तो उसी चटनी का मैंने ये रायता तैयार किया है इसके साथ। तो इसी के साथ व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।